नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं दाइंक, मैं हूं आपके साथ निशांत फौर। जैसा कि आप जानते हैं, बड़ौदा में उपचुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं बड़ौदा के गांव सिकंदरपुर माजरा में। जानते हैं यहां की महिलाओं से कि आखिर गांव में क्या कुछ बीजेपी सरकार ने काम करवाए हैं और चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल है। राम राम ताई। राम राम ताई, अपने गाँव में समस्या क्या है भाई? पानी की दिक्कत है, पानी रोकद की तनर पदाम रोकद की तलांग दे पीने का पानी नहीं है। सप्लाई आंधी को नहीं कि चाह पानी पीने का अंदर ही खराब पानी आ बेटा। हर गांव में और पानी कितने लेओ? पीपल लाग रहा है यू लोग ना भर का पानी लुगाई को जल्दी कोई नहीं। अच्छा, आदमी भर के लेओ पानी? ना भर का दूर दूर तनर आपत है। अच्छा, हैं लोग ना भाई लुगाई को जल्दी कोई पानी की कमी को ना भाई पानी पीने का नहीं है। पीने का पानी की कमी नहीं है गांव में और पानी की सप्लाई भी रोज आवे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना कोई समरसिबल है ना कोई सप्लाई का पानी है? समरसिबल है, समरसिबल में पानी अच्छा को नहीं। अच्छा नहीं समरसिबल का भी? अच्छा, खारा भी है गर्म भी है, मतलब और गांव में कोई समस्या नहीं। मारा सब गांव में अच्छा एक पीने का पानी को ना बढ़िया मीठा पानी की कमी है। अगर आप बैठे बात है क्या काम तक अच्छा पढ़ रहे लखरे बेचारे। अपने गांव में सरकारी अस्पताल है? सरकारी नहीं भाई, सरकारी अस्पताल है नहीं। नहीं है भाई। तो फिर गांव में बीमार हो और भी दिक्कत हो जाए तो फिर कर जाना वहां बेटा, वहां जाओ वहां जाओ है। तो अपना सरकारी स्कूल में किसी सुविधा जी अपने उरे सरकारी स्कूल की बात करा दो? सरकारी स्कूल में बढ़िया सभी दामांस भेजते कौन बड़का ने। अच्छा, कौन सी क्लास तक का स्कूल है जी? प्लस टू का दसवीं तक का स्कूल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्कूल में। अच्छा, और गांव में जी सफाई की गली की ऐसी कोई समस्या? सफाई वाले दाम है भाई। अच्छा, अंधे क्यों नहीं आवे हैं? अरे कोई नाला नहीं गांव का पानी गंदा नाला पानी गांव। अच्छा, गांव में पानी निकासी की बात करा तो गंदा पानी क्या गांव में निकासी है जी? ना कोने है सारा गंदा पानी का यो भरा। अच्छा, नून भी भरा कंप्यूटर ले जा। अच्छा, अभी भी भरा नहीं भरा। अच्छा, आप बताओ जी गांव में और जी अपना गली गाली की कोई समस्या गांव गली क्या? तू देख जा बेटा के तो भरा पड़ा कि तो ऊंची है कि तो नीची है। अच्छा, अरे या गाड़ी तू जाके देखा समस्या? अच्छा, पानी में चल रहा है हर मारे लोग रुपया नहीं देंगे मारी पल्स जी। बीजेपी सरकार दावे कर रहा है कि मतलब हर काम बहुत बढ़िया करवाया, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, सब कुछ काम करवाया बढ़िया। आपको काम नहीं हो रहे, काम क्यों नहीं हो रहे भाई? सारे मोदी सरकार की प्रधान की कमी है, गांव के प्रधान की कमी है। अच्छा, गांव के प्रधान की कमी है? अच्छा, अरे तुम समस्या बोलते हो क्या की लो एक मिनट। अच्छा, और बताओ भाई जुकर आपने बेरे आयुष्मान योजना चला रखी है एक सरकार ने कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री होगा सरकारी अस्पताल में, ऐसी कोई सुविधा मिली है जी आपने कभी? नहीं मिली हो जी कभी? कोई नहीं मिली भाई, नई समस्या। और कोई पेंशन की जी जैसे बीपीएल परिवार है आपका गांव में, उनकी कमाई 100 गज के प्लाट में मिले हैं आपका मिले किसी ने? ना किसी ने नहीं मिले, किसी ने नहीं मिले ना हमारी पेंशन बन रही पेंशन में नहीं बनी। अच्छा, इब जी उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव का टाइम में सारे वोट मांगने में आते होंगे, आपका गांव की समस्या रखी है जी आपने किसी से? ना किसी की समस्या नहीं रखी। अच्छा, तो फिर वोट मांगने आते होंगे कंधे होंगे भाई, हम काम करवाओगे? आज तक करवाते तो है नहीं फिर ना कोई ना करवाता काम भाई। पर वोट की बात करा जी, आप वोट आगे किसके दोगे? जो हमारा काम करवाएगा उन्हें देंगे, हमारे छोरे लुवाओगे। अच्छा, बात करा जी, 6 साल तक बीजेपी की सरकार है, 6 साल तक पहला कांग्रेस की सरकार थी, आपने क्या लगा बीजेपी सरकार में काम ठीक हो रहे हैं या कांग्रेस सरकार में हुए? ना बीजेपी ने करा ना सर भाई, यार तो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता बेटा। अच्छा, इवागा करोगे जिसकी वोट ले लियो। अच्छा ठीक है, जोगा करेंगे। आप बताओ भाई कांग्रेस ने दोगे बीजेपी? बेटा देखिए तो है ना, ये तो सब कमाई है, मतलब गांव सा चले देश सा चले तो काम सारे करावे हैं। मोदी अपना ठीक चला रहा काम, देश ने थाम रहा, कोरोना हो रहा है, सारे काम बढ़िया होने लग रहे बेटा, सब की समस्या तो कदे भी पूरी ना हो। तो कोरोना में तो था कि 500-500 रुपए खाता मांगे आप आए हैं? आए हैं, मतलब हमारे तो आए नहीं, बाकी सब जिनके जिन अपने। अच्छा, आप क्या आए हैं जी? ना भाई, आप क्या आए दादी? ना मैं मांग रही हूं। आप क्या आए जी पैसे? क्या हमारे तो नहीं ना भाई, नहीं नहीं लगभग सब कह रहे जी वो ना हमारे तो कोना ही भाई, ना हमने खाता खुलवा रखा। अच्छा, कोई ऐसा काम जी आपने लगता हो कि 6 साल में बीजेपी सरकार ने आपका में यूं बढ़िया काम कर दिया? कोई एक सिलेंडर का काम बढ़िया कर दिया, कोई एक काम जो बीजेपी सरकार ने आपने लगता हो बढ़िया करवा दिया 6 साल में? एक सोच रहे हां जी, माम अपना घर ने का भी देश मतन में चल लेना है तो बढ़ गया। एक काम भी नहीं है जी आपका काम में जो आपने लगा बीजेपी सरकार ने कराया 6 साल में? काम रहा मोदी और के सिलेंडर के बारे में बढ़िया करा है। अच्छा, आपने मिले हैं जी सिलेंडर? हम मोदी ने बढ़िया। आप बताओ जी कोई एक काम बढ़िया जो बीजेपी सरकार ने कर दिया आपका काम में लगा ना, बीयू बढ़िया काम कर दिया भाई? मारी तो काल भी ना पड़ रही
तो हमने यहाँ पे गांव की कुछ महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं की तरफ से प्रॉपर ये बात निकल कर आई है कि बीजेपी सरकार में पूरे उनके गांव में एक काम भी वो नहीं गिना पाई जो बीजेपी सरकार ने करवाया हो। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, अपनी सुविधाओं की बात करती है, लेकिन हमें यहां पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और बात करें तो यहां पर ज़्यादातर लोग बीजेपी सरकार से नाराज ही दिखाई दिए हैं। तो बड़ौदा के सिकंदरपुर माजरा गाँव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ गांव के लोग, उनसे जानते हैं कि गांव में चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल है, बीजेपी सरकार ने इन 6 सालों में क्या कुछ काम करवाए हैं। चलिए जानते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। आपके गांव में जी क्या क्या बड़े काम करवा दिए बीजेपी सरकार ने? हमारे गांव में दवाई कती बहुत ढोल ठा रखी है। हमारे गाँव में कती बैकवर्ड है। अच्छा, ये बूस्टर है पानी का। अच्छा, सारा गंदा पानी गाँव में सप्लाई है। पीने का पी के देखो। अच्छा, बहुत गर्म पानी की समस्या है। पीने का पानी की या सारा पानी की? पीने के भी ऊषा भी पानी कीसाई भी पानी नहीं हमारे गांव में। अच्छा, तो फिर गांव में जो पीने का पानी है जी वो कहां से लेगा उसकी समस्या? ये बूस्टर है, ये सरकारी तरफ से है, एक नंबर कड़वा पानी है, कती जहर है। अच्छा, आप देखो पी गए। अच्छा, और इसका रास्ता भी बिल्कुल नहीं है, कट्टे पट्टी है, सारा गाँव में पाइप टूटी पड़ी है, ना गाँव में कोई गली है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तब आप बताओ जी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने तो क्या काम करवा दिया अपने गाँव में? भाई मेरा बूढ़ा आदमी मन्ना तो बेरा ने तो पिलशन आवे तेरी पिलशन आवा आपकी पिलशन तो आवा है पिलशन आवा है। आपका गांव में जी बीजेपी सरकार कब है कि जो बीपीएल परिवार है उनके 100 गज के प्लाट मिले हैं? कुछ मिले हैं जी? ना कुछ ना मिल रहे हैं। और कोई एक काम लाग दो जी बीजेपी सरकार ने वो बड़े काम करवा दिए इन 6 साल में आपका गाँव में? ना ऐसा कोई बढ़िया काम नहीं बना रखे सर, ना तो सरपंच काम की रह रहे। अच्छा, आप बताओ जी, आप बताओ जी क्या किस समस्या? जो बीजेपी सरकार पहले आई उस टाइम पर जब लैटरिन बाथरूम पैसे मंजूर हुए थे आज तक नहीं मिल रही है वो। अच्छा, दूसरा प्लान आ लिया ये। अच्छा, मतलब पहली सरकार के जो काम थे वो अभी तक नहीं, वो अभी तक नहीं हुआ ना? जो मकान तो आपने समस्या रखी थी कि सामने सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं आएंगे, बताओ बजट कहाँ गया उनका सरकार का? अच्छा, जैसे पिछले 6 साल में 6 साल से बीजेपी की सरकार है जी। हाँ। कोई एक काम जो आपने लग दो बीजेपी सरकार ने आपका गांव में बढ़िया करवा दिया? हमारे गांव में कोई काम ऐसा खास हो ही नहीं रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा। जो एक काम गिना दे जो काम हो रहा है आपका गांव में बढ़िया? कि यो पानी का टेबल लगवा दे, पीने का नहीं है, जहर है। अच्छा, बताओ इसका ना पीने का जी। मेन वो है कि हर गाँव में सबसे पहले अस्पताल और स्कूल दो चीज सबसे जरूरी है जी। आपका गांव में सरकार वही अस्पताल है? ना बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। डिस्पेंसरी उठा ले पहले थी लेकिन अब वो भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं, वो भी नहीं है। फिर आपका गांव में जी जैसे बच्चे हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल है, उसमें सुविधा की बात करें तो क्या क्या सुविधा है? अच्छा, सरकारी स्कूल में भी कोई सुविधा नहीं? ना कोई सुविधा नहीं स्कूल सकाला में। अच्छा, हाँ। गांव में जी अगर सफाई की बात करा कि गली साफ करने वाले भी हैं और भी बहुत सी चीजें होती है जी गांव में। अच्छा, सारी फूटी बोले कुछ भी नहीं है गांव में, कोई कार्य नहीं है गांव में, कोई काम नहीं है? नहीं नहीं कोई कार्य नहीं। अब जैसे जी उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव से पहले हर पार्टी दावा करती है जी अगर मेरे जिताओगे तो मैं काम करूंगा। पिछली कहते हैं करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। जैसे उपचुनाव है वोट मांगने भी आएंगे, वोट मांगने आएंगे, और इससे पहले भी जैसे बने थे आपने समस्या रखी जी ये दिक्कत गाँव? बिल्कुल रखी जी, सारे को रखे गाँव में रखा, लेकिन सुन जाते को आता नहीं होगी बात दोबारा आता नहीं कोई नहीं। अच्छा, बनने बाद पूछते ही नहीं कोई। अब जैसे जी मनरेगा भी स्कीम चलाई थी सरकार ने, उसकी सुविधा आपने कदम मिली जी? ना कोई कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, मनरेगा में जो मजदूरी करे ना वो गाँव है? अच्छा, बंद हो रहा है। अच्छा, अच्छा, और जैसे जी एक आयुष्मान भारत योजना चला रखी है सरकार ने कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री होगा, आपने क्या जी उस सुविधा के बारे में क्या कहोगे? हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो कहीं जा घूमा हमारे कोई इलाज नहीं। सुनिए जी, अभी सुविधा सुनिए जी, आपने सुनी है जी, आपने सुनी है जी, आप इसका लाभ उठा रहे हो? ना बने दे दम तो लोग बना वो कार्ड तो बन रहे हैं, वो कार्ड बन रहे हैं। अच्छा, आप आयुष्मान के? अच्छा, कभी उसमें योजना हमने यूज नहीं करा उसको, उसका नहीं पता दवाया कि नहीं, मतलब यूज नहीं करा। अच्छा, इसके अलावा जी आपने लगता हो कि कोई भी मतलब बढ़िया काम जो 6 साल में आपने लगता हो कोई एक काम गिनवा दो सरकार का जो आपके गांव में करवाया हो? गांव में तो कोई ऐसा बढ़िया काम कोई नहीं, बस ये
ये ट्यूबल तो लगवा दे। इसकी भी मतलब दवाई नहीं हुई नीचे देगी, 72 घंटे की दवाई के लिए पैसे आए थे, 2 घंटे कर कर उसमें वो वापस ले गए। नीचे का है वो नहीं उठाया। अच्छा बात करें तो इन 6 साल में जी बीजेपी सरकार ने काम बढ़िया करवाया है, पिछली कांग्रेस सरकार बढ़िया करवा रही थी काम की बात करें तो आप बताओ जी। भाई कांग्रेस में काम हुए हैं कि में, अच्छा। बाकी बीजेपी ने तो धूल उठाई है, लोगों को लूटा है, गुमराह कराया है, अच्छा। हाँ बर्बाद कर दिया सब के में। तो किसानों के लिए भी कार्य जी बीजेपी सरकार की बहुत अच्छे काम करवा रही है। धक्के खुवाए, अच्छा धक्के खुवाए, किसों का दाना बिकता नहीं, उड़े तो मंडी में उल्टे आ जाए, इतना वो नाम नीचे डर रहा है, धक्के धक्के हैं और कुछ नहीं है भाई। अगर नंबर की बात करें जी बीजेपी सरकार में 10 में तक क्या नंबर देना चाहोगे आप काम का मामला में? भाई हम तो 0 0 तो मतलब जमा खत्म कर दिया आपने, खत्म कतई खत्म। अच्छा हाँ बताओ तो 10 में क्या नंबर देगा काम खेतर? हम तो भाई सारा नंबर दे देंगे, हम तो बीजेपी से बढ़िया है, बाकी नहीं है हमारे लिए बनता कुछ नहीं। नंबर बताओ तो नंबर कितने दोगे काम का मामला में? हम 10-10 नंबर दे देंगे। अच्छा हाँ बिना और काम कुछ होएगा कौन फिर भी 10 नंबर दोगे? काम होगा तो फिर तो 20 ले लेते हैं हमारे पे, 10 में 20 दे दोगे फिर? हाँ अच्छा आप बताओ जी क्या नंबर देना चाहोगे? आप बताओ तो क्या नंबर दोगे 10 में? भाई सारे नंबर 0 है भाई, बस 0 है। हाँ भाई अच्छा ठीक है। तो आपने सुना यहाँ पे बीजेपी सरकार से लगातार गांव के जिस भी व्यक्ति से बात की जा रही है सभी व्यक्ति नाराज ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में अनदेखी हुई है, गांव में पीने के पानी की और बिजली की कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है, गांव में ना कोई सफाई का पुख्ता इंतज़ाम है, ना सरकारी अस्पताल है। आखिरकार इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए गाँव वालों की नाराज़गी भी है जो कहीं ना कहीं ठीक नज़र आ रही है।